बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इन दिस टॉपिक आई विल डिस्कस मेमोरी और आईओ पिन ऑफ 8086 माइक्रो प्रोसेसर, एक्स्ट्रा सेगमेंट, साइंड एंड अनसाइंड नंबर्स एंड देयर कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल एंड फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी एंड फ्लैग्स रजिस्टर। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड फ्लैग्स रजिस्टर, बट मैनी स्टूडेंट्स हैव रिक्वेस्टेड टू discuss it again, so in this lecture I will also discuss that flags register of 8086 microprocessor. So I will start with memory or IO pin of 8086 microprocessor. Memory or IO pin is an output pin, and by output we mean that the microprocessor can set this pin to logic 1 or can clear this pin. So this pin is used to select a memory or an IO device. When we say that the microprocessor is accessing memory, then the microprocessor is reading or writing data to any memory location or any memory chip. And when we say that the microprocessor is communicating with an IO device, then the microprocessor is reading or writing data to an IO port. So IO devices are connected with IO ports, and IO ports are any communication medium to send or receive data. So the ports connected inside a personal computer are all IO ports, input-output ports. So when the microprocessor wants to perform a read or write operation from memory, then this pin is set to logic 1 by the microprocessor. So when the microprocessor is accessing memory, jab microprocessor memory ko access kar raha hai, to is pin ko wo logic 1 kar dega. Theek hai? इस पिन को लॉजिक 1 कर देगा। तो ये पिन जो है ना, ये मेमोरी और आईओ, आईओ के ऊपर बार है, तो ये एक सिंगल पिन है। इसका नाम है मेमोरी और आईओ, एक सिंगल पिन है। तो जब इस सिंगल पिन की वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब है माइक्रो प्रोसेसर वॉन्ट्स टू रीड और राइट डाटा टू ए मेमोरी लोकेशन। और जब इस सिंगल पिन की वैल्यू होगी 0, तो इसका मतलब है माइक्रोप्रोसेसर किसी आईओ डिवाइस को एक्सेस कर रहा है जो किसी आईओ पोर्ट के साथ अटैच्ड है। सो असल में आईओ पोर्ट को एक्सेस कर रहा होता है। सो व्हेन द माइक्रोप्रोसेसर वांट्स टू परफॉर्म ए रीड और राइट ऑपरेशन from an IO input or output port or device, then this pin is set to logic 0. So jab microprocessor IO device ko access karta hai, to is pin ko logic 0 kar deta hai. Aur humne andar circuit aisa design karna hota hai ki microprocessor jab is pin ko high kare, to memory chips activate ho jaye ya select ho jaye, aur jab microprocessor is pin ko 0 kare, तो आईओ डिवाइस एक्टिव हो जाए या सेलेक्ट हो जाए, या कोई आईओ पोर्ट एक्टिव हो जाए या सेलेक्ट हो जाए। ठीक है, मगर इस कोर्स में हम सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेमोरी को ही कंसीडर करेंगे, और आईओ डिवाइसेस आर नॉट पार्ट ऑफ आर कोर्स। सो इन दिस कोर्स वी हैव ओनली इंटरफेस मेमोरी चिप्स। So this pin will be used to enable decoders of high and low banks. तो अब हम इन पिन्स को यूज करेंगे हाई और लो बैंक के डिकोडर्स को इनेबल करने के लिए। तो आपने करना ये है सिर्फ कि जो भी आपके डिकोडर थे हाई बैंक में, उसमें एक और इनेबल एक्टिव हाई का शो करके, और उसके साथ सिर्फ मेमोरी और आईओ का कनेक्शन दे दें। और इसी तरह जो लो बैंक का डिकोडर है, उसमें एक और एक्टिव हाई इनेबल शो करके उसके साथ मेमोरी और आईओ का कनेक्शन दे दे। तो इसका मतलब है जब माइक्रोप्रोसेसर ने इस पिन को हाई किया, तो ये डिकोडर इनेबल हो जाएगा, और ये फर्दर फिर मेमोरी चिप्स को सेलेक्ट कर लेगा। और जब माइक्रोप्रोसेसर ने किसी आईओ डिवाइस को सेलेक्ट करना है, तो वो इस लाइन को जीरो करेगा, और ये डिकोडर फिर डिसेबल हो जाएगा, और मेमोरी सेलेक्ट होगी नहीं, और आईओ डिवाइस को सेलेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह इस केस में भी
When memory or IO is zero, this decoder is not enabled, and in that case all the memory chips are disabled और बाकी सारे जो भी आईओ डिवाइस की स्पेस है वो भी मेमोरी की तरह ही होती है, उसमें उसी तरह एड्रेस लाइंस और डाटा लाइंस जा रही होती हैं। तो ये सिर्फ एक लाइन होती है जो कंट्रोल करती है। जब इसको माइक्रो प्रोसेसर वन करता है तो सारी सारी मेमोरी स्पेस इनेबल हो जाती है, और जब इसको ज़ीरो करता है तो आईओ स्पेस। तो अभी हम इस कोर्स में इसको वन रखेंगे। तो आपने सिर्फ ये करना है कि ये एक एक्स्ट्रा सर्किट जब भी आपको चिप्स के कनेक्शन शो करने के लिए आए तो ये आपने मेमोरी और आईओ का इस तरह कनेक्शन शो कर देना, बस ये इसमें काम करना है। नाउ आई विल डिफाइन व्हाट इज एन एक्स्ट्रा सेगमेंट। सो एक्स्ट्रा सेगमेंट इज जस्ट लाइक अनदर सेगमेंट लाइक डेटा सेगमेंट। सो एक्स्ट्रा सेगमेंट is a segment that is also used to store data. So extra segment is also used to store data or variables. The size of extra segment is also 64 kilobytes area of memory, and the registers used to access extra segment are ES register, extra segment register. ES register is a 16-bit register located inside the microprocessor, and this register is used to store the starting address or segment address of extra segment. So the register used to store the starting address or segment address of extra segment is ES register. Jis tarah hum logon ne padha, CS register hold karta hai code segment ka starting address, DS register hold karta hai data segment ka starting address, and SS register hold करता है stack segment का starting address। तो इसी तरह ES register hold करता है extra segment का starting address, and the offset registers used for extra segment are BX, SI and DI। So these are the registers that are used as offsets when extra segment is being accessed. So ES will always be the segment register, or will always act as the as a segment register for extra segment, and BXSI or DI can be used as offset registers. तो आप लोग अब ये बात याद रखें कि ES जो है हमेशा सेगमेंट होगा, और BXSI या DI में से कोई भी ऑफसेट हो सकता है एक्स्ट्रा सेगमेंट के लिए। तो डेटा सेगमेंट के लिए भी यही वाले ऑफसेट्स हैं, और डेटा सेगमेंट का सेगमेंट रजिस्टर डीएस है। तो जब डेटा सेगमेंट में हमें स्पेस कम पड़ती है तो हम फिर एक्स्ट्रा सेगमेंट को यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल सेम है एक्स्ट्रा सेगमेंट डेटा सेगमेंट की तरह का, मगर यूज हम बहुत कम करते हैं। जब भी हमें जरूरत पड़े तो बस उस वक्त यूज करते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम एक्स्ट्रा सेगमेंट इज एबसेंट इन कोड, ये कोड में ज्यादा यूज या नजर नहीं आएगी आपको। So now I will move on to signed and unsigned numbers. ये हम पहले already discuss कर चुके हैं class में, मगर कुछ students ने QA session में बोला था कि दोबारा से discuss करें, तो मैं दोबारा से discuss कर रहा हूँ signed and unsigned numbers. तो अब मैं बात करता हूँ कि 8-bit unsigned numbers ये 8086 में कैसे हम represent करते हैं। तो 8-bit unsigned numbers को तो आपने simple क्या करना है कि जो भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होती है उस तरह करना है। तो 8 बिट्स का मतलब है कि 8 बिट का एक नंबर है जिसका साइज है 8 बाइनरी डिजिट्स। तो अगर इन 8 के 8 बिट्स को मैं जीरो कर दूंगा तो उस नंबर की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, और जब इन 8 के 8 बिट्स को मैं 1 कर दूंगा तो उस नंबर की हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू। सो व्हेन दिस value is converted into a decimal number, तो ये हम weight इसमें use करते हैं 8, 4, 2, 1, 16, 32, 64, 128। तो ये जब सब हमने add किया तो ये सब के सब zeros थे, तो decimal number आ गया 0। और जब इन सब को हमने high कर दिया तो ये 128, 64,
32, 16, 8, 4, 2, 1, ये जब सब ऐड किए, क्योंकि सारे 1 थे, तो ये 255 डेसिमल आ गया। तो अभी मैं ये वेट्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने क्लास में बहुत दफ़ा किया हुआ है। तो ये आप लोग उसको दोबारा से देखें कि हाउ बाइनरी इज़ कन्वर्टेड इनटू डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल। ये सारा कुछ मैंने किया है क्लास में, तो ये जिन लोगों को कन्फ्यूजन है वो उसको देख लें। तो इसी तरह मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, चार चार के पैक्स बना के। तो इसको मैंने एफ एफ एच, इस केस में एफ एफ, और ऊपर जीरो वाले केस में जीरो जीरो, तो जीरो जीरो एच और एफ एफ एच, हेक्साडेसिमल नंबर। सो 8 बिट, तो ये तो 16 बिट, सॉरी 8 बिट अनसाइंड नंबर्स थे। इसी तरह आप लोग इसको 16 बिट अनसाइंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिट्स का साइज चेंज हो जाएगा, वो 16 हो जाएंगे। इसके बाद आया 8 बिट साइन नंबर्स। तो जब आपने 8 बिट साइन नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, इफ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट फॉर एग्जाम्पल -1 इंटू 8 बिट साइन नंबर, देन कन्वर्ट 1 इंटू 8 बिट बाइनरी फर्स्ट। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या काम करना है कि जो 1 है, अगर मैंने -1 को कन्वर्ट करना है, और आपसे मैंने पता किया कि -1 को 8 बिट बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, तो फिर आप लोगों ने करना क्या है कि इस माइनस को छोड़ दें, और जो भी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 1, इस 1 को पहले सिंपल 8 बिट्स में कन्वर्ट करें, या 8 बिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करें। तो जब हमने 1 को 8 बिट बाइनरी नंबर में किया, तो हमें पता लगा द आंसर इज 0 0 0 0 0 0 0 1। तो ये इसके आगे, ये तो नंबर आ गया। इसके बाद हमने करना क्या है, इसके बाद आपने ये कन्वर्ट करने के बाद बाइनरी में, इसके बाद इसका लेना है वंस कॉम्प्लीमेंट। और वंस कॉम्प्लीमेंट क्या करते हैं, सारे बिट्स को इन्वर्ट कर दें। तो इसके बिट्स को जब जीरोस को इन्वर्ट किया तो 1, और लास्ट ये जो 1 है इसको किया तो 0। सो वंस कॉम्प्लीमेंट इज, ये वंस कॉम्प्लीमेंट क्या इसका आ गया 111 1110। ये इसका रिजल्ट आया वंस कॉम्प्लीमेंट। और इसके बाद हमने जब इसमें एड 1 किया, व्हेन 1 इज एडेड टू वंस कॉम्प्लीमेंट, देन द रिजल्ट इज टूज कॉम्प्लीमेंट। तो जब हमने 1111 1110 में +1 ऐड किया, तो इसका आंसर आ गया 1111 1111। तो ये आ गया इसका टूज कॉम्प्लीमेंट। तो 1 का जब हमने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वो -1 होता है असल में। तो ये हमारे पास जो 8 बिट बाइनरी नंबर आया -1 का, उसका उसकी वैल्यू है बाइनरी में 1111 1111। तो प्रोसीजर क्या है कि माइनस के अलावा जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, इसको आप पहले बाइनरी 8 बिट में कन्वर्ट करें, फिर उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लें, तो वो -1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी नंबर होगा उसका जब आपने टूज कॉम्प्लीमेंट लिया, बाइनरी में पहले रिप्रेजेंट करके उसका टूज कॉम्प्लीमेंट लिया, तो वो उस नंबर का नेगेटिव बन जाएगा। तो ये इस तरह हम जो है वो नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है कि कन्वर्ट कन्वर्ट -8 इंटू 8 बिट बाइनरी नंबर। तो द फर्स्ट स्टेप इज द सेम, कन्वर्टिंग 8 इंटू 8 बिट बाइनरी नंबर, 8 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। सो व्हेन 8 इज कन्वर्टेड इंटू 8 बिट बाइनरी नंबर, द रिजल्ट इज 0001000000। सो अगेन वी आर हेयर, वी आर यूजिंग द वेट्स टू रिप्रेजेंट द डेसिमल नंबर इंटू बाइनरी। ठीक है, 8421 और बाकी 1632। इसके बाद इसका हमने टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट बाय इन्वर्टिंग द बिट्स, सो द नंबर व्हेन दिस नंबर इज इन्वर्टेड, तो ये आ गया 1111 1111 0 1 1। तो ये हमारे पास इसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया, और इसके बाद हमने लिया टूज कॉम्प्लीमेंट। तो टूज कॉम्प्लीमेंट लेने के लिए वंस कॉम्प्लीमेंट में +1 किया, तो ये आ गया 1111 1 0 0। ठीक है, तो ये 1101 1101 0 1101
10, तो ये इसका रिजल्ट आ गया 1111000। तो ये जो रिजल्ट आया है, जो टूज कॉम्प्लीमेंट है, ये है बाइनरी माइनस एट का बाइनरी है ये। सो व्हेन माइनस एट इज रिप्रेजेंटिंग बाइनरी नंबर दैट द देन द रिजल्ट इज 1111100000, 8-bit बाइनरी। सो सिमिलर प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर 16-bit नेगेटिव नंबर्स। तो जब आपने 16-bit साइंड नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है, तो सेम यही, सिर्फ क्या होगा कि अगर मैं कहूँ कि माइनस एट को 16-bit नंबर में कन्वर्ट करें, तो आपने सबसे पहले 8 को 16 बिट्स में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद उनका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो वो फाइनल उसमें रिजल्ट आएगा, ये तो लो बाइट में आ जाएगा सारा, और उसके बाद हाई बाइट क्या आएगी, 1111111, तो सारे वंस हो जाएंगे हाई बाइट के। तो टोटल रिजल्ट आ जाएगा 1111111111, फिर 1111100000। तो ये इस तरह हो गए, ये टोटल 16 बिट्स। इसको बेशक आप कन्वर्ट करके देख लें 16 बिट्स में। उसके बाद फॉर 8 बिट पॉजिटिव नंबर्स, अब पॉजिटिव नंबर्स में हमने कन्वर्ट किया, तो पॉजिटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कन्वर्ट प्लस 1 इनटू 8 बिट नंबर साइन नंबर, तो प्लस लगा हुआ है। तो हमने क्या करना है कि जब प्लस हो, तो बस ये समझ लें कि आप टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है, अब सिंपल वेट्स को यूज करना है। तो हमने सिंपल सिंपल 1 को 8 बिट बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 1 को जब कन्वर्ट किया तो 0000001, सो प्लस 1 इज 0000001। तो प्लस 1 के केस में आपने कोई टूज कॉम्प्लीमेंट नहीं लेना है, सिंपल सिंपल जो भी नंबर है उसका बाइनरी। तो यही वाला प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे टू फॉर 16 बिट पॉजिटिव नंबर्स। तो प्लस 1 को अगर 16 बिट्स में रिप्रेजेंट करना है, तो ये जितने भी जीरो हैं इस लेफ्ट पे 8 जीरोस और आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह प्लस 1 जो होगा वो हमारा 16 बिट नंबर बन जाएगा। इसके बाद एग्जांपल, कन्वर्ट द फॉलोइंग साइंड बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल। अब हम देखते हैं कि अगर आपको बाइनरी नंबर दिया हो और बताया हो कि ये साइंड है, तो फिर इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। सो व्हेन द नंबर इज अ साइंड नंबर एंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज 1, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या है। अगर तो 1 है, तो हम कहते हैं कि द नंबर इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इन साइन नंबर्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ नंबर। सो इन साइन नंबर्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ नंबर। सो इफ एमएसबी इज 1 देन द नंबर इज नेगेटिव, इफ एमएसबी इज 0 देन द नंबर इज पॉजिटिव। सो इन द अबव केस द नंबर इज नेगेटिव फॉर द गिवन नंबर। जो हमारे पास ऊपर मैंने आपको नंबर दिया है कि इसको कन्वर्ट करें डेसिमल में, उसमें देखें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है, जो बिट 7 है इस केस में, जो अगर बिट 0 से हम स्टार्ट लें, तो बिट 7 इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इस केस में मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 है। तो इसका मतलब है नंबर नेगेटिव है। अब जब नंबर नेगेटिव है, तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करने के लिए डेसिमल में इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेना होगा, फिर जो भी बाइनरी आएगा वो उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो साइन तो हमें पता लग गया नंबर का कि वो नेगेटिव है, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेके उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हमने कैसे किया, नंबर नेगेटिव है और इसको हमने टूज कॉम्प्लीमेंट जब किया, तो सबसे पहले हमें वंस कॉम्प्लीमेंट, तो वंस कॉम्प्लीमेंट जब नंबर का किया, तो हमारे पास आया 0000001, और जब इस वंस कॉम्प्लीमेंट में प्लस 1 ऐड किया, तो हमारे पास 0000010, ये हमारे पास आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो हमें पता लगा दिस इज इक्वल टू 2 डेसिमल। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट टूज कॉम्प्लीमेंट लेने से पहले
वन था तो इसका मतलब है कि दिस नंबर इज नेगेटिव, तो सो द रिजल्ट इज -2, क्योंकि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट वॉज वन, सो दिस नंबर इज -2, सो 1111110 इज इक्वल टू -2, ये -2 हो गया। इसी तरह आपने सारा कुछ करना है, और इसी तरह आप 16 बिट्स का भी फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल है, ये प्रैक्टिस के लिए आप लोग कर लें। रिप्रेजेंट -18 8 बिट बाइनरी, इसको -80 को 8 बिट बाइनरी में भी कर लें और इसको 16 बिट बाइनरी में भी कर लें। एक और एग्जाम्पल हम करते हैं, कन्वर्ट 1111111100 इन डेसिमल। अब ये नंबर आपको दिया मैंने बाइनरी, और इसको जरा डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या होगा? दोबारा से देखें, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज वन, तो हमने नंबर जो है वो नेगेटिव है, और अब हमें पता है जब नंबर नेगेटिव है तो इसका टूज कॉम्प्लीमेंट लेंगे और जो भी वैल्यू आई है उसके साथ माइनस लगा दें। तो इसका जब हमने वंस कॉम्प्लीमेंट दिया तो 0000001, और जब प्लस वन किया तो वो आ गया 0000100। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि जब हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो ये आ गया 4, और क्योंकि ये नंबर ओरिजिनल माइनस था तो इसके साथ हमने माइनस लगा दिया, तो ये इसका मतलब है 1111100 इज इक्वल टू -4, तो ये -4 के इक्वल हो गया। अब अगर आपके पास आए कि कन्वर्ट -2 इन 16 बिट नंबर, सो कन्वर्टिंग 2 इन 16 बिट नंबर 0000000010, टेकिंग वंस कॉम्प्लीमेंट 111 1111111101, और एडिंग एडिंग वन टू गेट्स 2 कॉम्प्लीमेंट, सो एडिंग वन टू गेट्स 2's कॉम्प्लीमेंट प्लस वन, तो ये आ गया आपके पास 1111111111110, तो ये आ गया -2। ठीक है, और -2 का मतलब किसके इक्वल है? 1111111, ये सारे वन और आखिर में 10, ये 16 बिट नंबर में हमने इसको रिप्रेजेंट किया -2 को। इसी तरह जब आपके पास अगर कोई नंबर आए, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि ये नंबर है +2, सॉरी ये नंबर है एक साइंड नंबर, और आपने इसका डेसिमल फाइंड करना है, तो आप देखेंगे इसका एमएसबी जो है वो 0 है, इसका मतलब है नंबर पॉजिटिव है। आपने सिंपल क्या करना होगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा डेसिमल में, वो आपको पता लग जाएगा 2 है, तो आपने 2 के साथ प्लस लगा देना है। तो जब कोई ऐसी बाइनरी वैल्यू आए जिसमें ये एमएसबी जो है वो 0 हो, तो आपने सिंपल उसका बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन करनी है, और अगर कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका एमएसबी 1 है और नंबर भी साइंड है, तो फिर आपने क्या करना है कि उसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो ये प्रोसीजर मैंने बता दिया कि अगर कोई नंबर साइंड है और उसकी वैल्यू नेगेटिव है तो कैसे आप फाइंड करेंगे। तो अगर नंबर साइंड है और वैल्यू जो है वो इस तरह है, 0 से स्टार्ट हो रहा है एमएसबी, तो फिर आपने सिंपल सिंपल उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, एट बिट साइंड नंबर्स रेंज। अब ऊपर हमने फाइंड की थी अनसाइंड नंबर्स की रेंज, अब जरा साइंड नंबर्स की रेंज फाइंड करते हैं कि वो कैसे फाइंड करें। तो अगर हमारे पास 8 बिट नंबर हो, हम सबको अगर 0 कर दें तो उसका आंसर आएगा डेसिमल में 0, क्योंकि सारे 0, एमएसबी भी 0 है, इसका नंबर नेगेटिव नहीं है, हमने इसको सिंपल कन्वर्ट किया डेसिमल में तो आंसर आ गया 0। तो 0 हमें पता है कि साइंड नंबर के केस में तो मिनिमम वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि साइन नंबर के केस में तो मिनिमम वैल्यू माइनस है, तो हमने फाइंड करनी है माइनस मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज फॉर 8 बिट साइन नंबर, क्योंकि रेंज इसी तरह हम फाइंड करेंगे। तो 0 तो हमें पता लगा कि ये तो नहीं। इसके बाद हमने क्या किया कि जरा इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए
मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को किया जीरो ताकि नंबर हो जाए पॉजिटिव, और बाकी सारे बिट्स को वन कर दिया। तो इससे हमें पता लगा कि ये नंबर बन गया +127, सिंपल बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन की। इसके बाद नेगेटिव वैल्यू मोस्ट नेगेटिव फाइंड करने के लिए हम अब एक काम कर सकते हैं कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को करें वन, और फिर सारे बिट्स को वन करके और सारे बिट्स को जीरो करके फाइंड करेंगे कौन सा नंबर ज्यादा नेगेटिव। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को किया वन, और फिर इस सारी वैल्यू का लिया वंस कॉम्प्लीमेंट, और फिर उसमें प्लस वन करके इस सारी वैल्यू का लिया टूस कॉम्प्लीमेंट। तो वो नंबर हमारे पास आ गया, सेम वैल्यू आ गई, और वो नंबर आ गया 128। तो हमने इसके साथ लगा दिया माइनस, तो इसका मतलब है ये 100000 ये है -128 के इक्वल, तो -128। इसके बाद हमने दोबारा से इसको लिया मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को वन और सारे रिमेनिंग बिट्स को भी वन। तो इस केस में नंबर इज नेगेटिव, इसका लिया टूस कॉम्प्लीमेंट टू फाइंड द डेसिमल वैल्यू ऑफ दिस नेगेटिव नंबर। तो इस केस में आ गई डेसिमल वैल्यू -1 जब टूस कॉम्प्लीमेंट लिया। तो हमें पता लगा कि -128 इन केस ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज लेस देन -1, सो हियर द स्मॉलर वैल्यू इज -128 एंड द मैक्सिमम वैल्यू दैट वी हैव कैलकुलेटेड सो फार फॉर 8 बिट साइन नंबर्स इज +127। सो द रेंज इज फ्रॉम +127, सॉरी द रेंज इज फ्रॉम -128 टू +127। तो ये हमने 8 बिट साइन नंबर्स के लिए फाइंड कर ली रेंज, और ये मैं क्लास में कर चुका हूं पहले से, ठीक है। तो रेंज क्या होगी -128 से लेके +127। और यही वाला प्रोसीजर आप सिमिलर प्रोसीजर कैन बी यूज टू फाइंड द वैल्यूज मैक्सिमम मिनिमम फॉर 16 बिट साइन नंबर्स। सेम प्रोसीजर आप यूज करके 16 बिट साइन नंबर्स की वैल्यू जो है वो फाइंड कर सकते हैं। नाउ आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग flags register for 8086 microprocessor. So flags register is a 16 bit register located inside the microprocessor. ये एक ऐसा register है जो 16 bits का और microprocessor के अंदर है, उसमें 16 bits हैं. And out of 16 bits, 3 bits are called as control flags. And these bits are used to control the behavior of a program or code. And 6 bits are status flags to show the status of an operation. इसके सारे बिट्स को कहते हैं फ्लैग्स। फ्लैग का क्या मतलब है, कोई इंडिकेशन दे रहा। तो ऐसे फ्लैग्स या ऐसे बिट्स जो स्टेटस को शो कर रहे हैं किसी ऑपरेशन के, उनको बोलते हैं स्टेटस फ्लैग्स। और कुछ ऐसे फ्लैग्स जिनको हम खुद ऑन ऑफ करके कोई चीज कंट्रोल कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो उनको बोलते हैं कंट्रोल फ्लैग्स। तो आगे मैंने इसके बिट्स को रिप्रेजेंट किया, और वो बिट्स जब हमने रिप्रेजेंट किए तो वो जो बिट्स हैं ये मैंने टोटल ड्रॉ किया इसके 16 बिट्स को फ्रॉम 0 to 15। तो इन बिट्स का नाम है, 0 इज सी एफ कैरी फ्लैग, बिट नंबर 1 इज अनयूज्ड, बिट नंबर 2 इज पी एफ पैरिटी फ्लैग, बिट नंबर 3 इज अनयूज्ड, बिट नंबर 4 इज ए एफ ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, बिट नंबर 5 इज अनयूज्ड, बिट नंबर 6 इज जीरो फ्लैग, बिट नंबर 7 इज साइन फ्लैग, 8 ट्रैप फ्लैग, 9 इंटरप्ट फ्लैग, 10 डायरेक्शन फ्लैग, 11 ओवरफ्लो फ्लैग, 12 13 14 15 आर अनयूज्ड और रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर ऑपरेशंस। सो सीएफ, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज सीएफ। तो सीएफ को हम बोलते हैं कैरी फ्लैग। और ये होता क्यों है सेट, कि जब अनसाइंड नंबर्स
के लिए आपने ऑपरेशन करवाया और दो नंबर्स को फॉर एग्जांपल ऐड किया और रिजल्ट आ गया डेस्टिनेशन की रेंज से बाहर। फॉर एग्जांपल अगर आपकी डेस्टिनेशन 8-बिट रजिस्टर थी तो अनसाइंड वैल्यू अगर 8-बिट नंबर्स की रेंज से बाहर आ गई, या अगर डेस्टिनेशन 16-बिट रजिस्टर थी और अनसाइंड वैल्यू 16-बिट नंबर्स की रेंज से बाहर आ गई। सो कैरी फ्लैग इज सेट CF is 1 when a carry is generated at most significant bit of 8-bit or 16-bit number. तो सिंपल सिंपल इसका रूल ये है कि जब भी आपने दो नंबर्स को ऐड किया तो अगर MSB के ऊपर एक कैरी जनरेट हो जाए जो उधर से बाहर जा रहा हो तो फिर हम बोलते हैं कैरी फ्लैग इज हाई और कैरी फ्लैग इज सेट। तो ये शो क्या करता है, शोज दैट द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज आउट ऑफ रेंज फॉर 8-बिट और 16-बिट अनसाइंड नंबर्स एज डिस्कस्ड अर्लियर। इसके बाद आगे है पैरिटी फ्लैग। तो पैरिटी फ्लैग क्या करता है, PF इज 1 व्हेन द लो बाइट ऑफ रिजल्ट कंटेन्स द इवन नंबर ऑफ वन्स इन इट। पैरिटी फ्लैग 1 कब हो जाएगा, जब भी रिजल्ट आया और उसका लो बाइट, जब 16 बिट का रिजल्ट है तो लो बाइट में सिर्फ और सिर्फ इवन नंबर ऑफ वन्स, मतलब उसके बाइनरी वन्स आपने काउंट करने हैं, अगर वो नंबर इवन के इक्वल आ जाता है तो फिर आपकी पैरिटी फ्लैग 1 है, और अगर वो नंबर ऑड के इक्वल आता है तो पैरिटी फ्लैग फिर 0 है। तो अगर ये 8-बिट ही रिजल्ट हो तो फिर तो एक ही बाइट आपने देखनी है, फिर उसमें लो हाई बाइट होगा ही नहीं, फिर तो एक बाइट होगी। अगर 16-बिट नंबर या रिजल्ट हो तो फिर आपने लो बाइट देखना है। तो लो बाइट में हमेशा इवन नंबर ऑफ वंस आएंगे तो PF1 होगा। इसके बाद आया ऑक्सिलरी फ्लैग और ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। सो AF इज 1 व्हेन इट कैरीज जनरेटेड फ्रॉम बिट 3 टू बिट 4 और फ्रॉम लोअर नेबल टू हायर नेबल। तो ये बिट 3 बिट अगर 0 से स्टार्ट हो रही है, 0 1 2 3, 3 से 4 पे कोई कैरी गया ऑपरेशन में तो फिर इसका मतलब है AF इज 1, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज 1, और इन चार चार बिट्स को हम निबल्स बोलते हैं। इसके बाद हम कहते हैं कि अच्छा, ये जब आपका 16-बिट रिजल्ट भी होगा तो इसके आगे भी 8 बिट्स होंगे, मगर कैरी हम इधर ही देखेंगे थर्ड से फोर्थ पे, तो ऑक्सिलरी कैरी के केस में, ठीक है। उसके बाद आ गया जीरो फ्लैग। ZF इज 1 व्हेन द रिजल्ट ऑफ एन ऑपरेशन इज 0, जब भी रिजल्ट 0 आ जाए तो जीरो फ्लैग 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद आया साइन फ्लैग। साइन फ्लैग इज 1 व्हेन द रिजल्ट इज नेगेटिव। साइन फ्लैग 1 होगा व्हेन द रिजल्ट इज नेगेटिव। SF इज ऑलवेज द कॉपी ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जो भी रिजल्ट में स्टोर्ड होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, साइन फ्लैग हमेशा उसकी कॉपी होगी। OF, उसके बाद आता है OF, ओवरफ्लो फ्लैग इज 1 फॉर 8-बिट नंबर्स D0 टू D7। अगर हम 8-बिट नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, जैसे बिट 0 से बिट 7, ये मैंने B0 या बिट 0 नहीं लिखा, इसको D0 टू D7 डेटा बिट से रिप्रेजेंट किया, एक ही बात है। यहाँ पे आप बिट 0 से बिट 7 तक लिख सकते हैं, या बाइनरी बिट B0 टू B7 तक, इसको वैसे ही मैंने नाम दे दिया बिट्स को, तो D0 टू D7, ये मैंने कहा 8-बिट नंबर के बिट्स हैं। इस केस में हम कह रहे हैं व्हेन ए कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम When a carry is generated from D6 to D7 but no carry out of D7. तो अगर दो नंबर्स को आपने ऐड किया तो D6 से D7 पे कैरी जाए मगर D7 से बाहर कोई कैरी ना जाए, या फिर when a carry is generated out of D7 but no carry from D6 to D7। यहाँ पे जो कंडीशन है ना वो ये है कि यहाँ कैरी जनरेट हो फ्रॉम D6 टू D7 मगर D7 से बाहर कोई कैरी ना जाए, और यहाँ पे आएगा और व्हेन ए कैरी इज जनरेटेड आउट ऑफ D7 बट नो कैरी फ्रॉम D6 टू D7, या D7 से बाहर तो जाए मगर D6 से D7 पे ना जाए, तो फिर ओवरफ्लो फ्लैग 1 होगा। इसी तरह 16 बिट्स नंबर में हमने कहा D0 टू D15 तक नंबर्स हैं, मैंने कैरी जनरेटेड फ्रॉम D14 टू D15 बट नो कैरी आउट ऑफ D15, मैंने कैरी जनरेटेड आउट ऑफ बी
बिट 15 डी 15 बट नो कैरी फ्रॉम डी 14 टू डी 15। तो ये इस केस में ओवरफ्लो फ्लैग 1 होता है जब 14 से 15 पे तो कैरी जाए मगर 15 से बाहर ना जाए, और यहाँ फिर क्या हो जब 15 से बाहर जाए मगर कैरी जो है वो 14 से 15 पे ना जाए। तो ये इस तरह इस केस में सिर्फ ओवरफ्लो फ्लैग होता है 1। अगर 14 से 15 पे भी चला जाए, 15 से बाहर भी चला जाए तो ओवरफ्लो फ्लैग फिर 0 हो जाएगा। और इसी तरह 8 बिट नंबर्स के केस में भी जो वैल्यू बनती है उस पर। और जब आप बोरो को करेंगे कंसीडर तो फिर भी ओवरफ्लो फ्लैग सब्ट्रैक्शन के केस में, अगर आपने बोरो किया सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्शन के केस में भी, तो फिर भी हम कहते हैं कि अगर बाहर से 15 पे बोरो आया या 15 से 14 पे बोरो गया तो फिर ओवरफ्लो फ्लैग जो है वन है। तो बोरो के केस में वाइस वर्सा है ऑफ एडिशन। तो ये शो क्या कर रहा होता है कि ओवरफ्लो फ्लैग is equal to 1 shows that the result of an operation is out of range for 8 bit or 16 bit signed numbers. तो ये show ये कह रहा होता है कि जो भी result आया operation का वो out of range है for 8 bit या 16 bit signed numbers. Control, इसके बाद आते हैं control flags. ये control flags microprocessor खुद नहीं set करता, ये programmer खुद set कर रहा होता है। तो इस इनको हमने अभी यूज तो वैसे करना नहीं है इस कोर्स में, मगर मैं वैसे डिफाइन कर देता हूँ। ट्रैप फ्लैग इज यूज्ड इन डीबगिंग टीएफ व्हेन टीएफ इज वन द माइक्रो प्रोसेसर वर्क्स इन अ सिंगल स्टेप मोड, अ सिंगल इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड एंड द रिजल्ट्स ऑफ ऑल रजिस्टर्स आर डिस्प्लेड आफ्टर इट्स एग्जीक्यूशन। जब आपको कोड चेक करना हो कि कोई प्रोग्राम में बग आ रहा है या कोई एरर आ रहा है और आपने उसको डीबग करना है, वो एरर फाइंड करना है, तो हम करते हैं क्या कि वन बाय वन लाइन को एग्जीक्यूट करते हैं और फिर हर रजिस्टर की वैल्यू एट द एंड ऑफ ईच एग्जीक्यूशन वो देखते हैं कि क्या है। तो इस केस में जब ट्रैप फ्लैग को हम वन करते हैं तो वो वन बाय वन लाइन को माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है और हर लाइन के बाद हर रजिस्टर की वैल्यू हमें डिस्प्ले करता है ताकि हमें पता चल जाए कि ये लाइन एग्जीक्यूट हुई है तो जो रिजल्ट्स आने चाहिए थे रजिस्टर्स में वो आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट लाइन पे जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं वो आ रहे हैं। तो इस तरह हम पूरे कोड को चेक कर सकते हैं और उसके बग्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज आईएफ इंटरप्ट फ्लैग। व्हेन आईएफ इज वन इंटरप्ट्स आर इनेबल्ड, व्हेन आईएफ इज जीरो इंटरप्ट्स आर डिसेबल्ड। हमने अभी तक इंटरप्ट्स को डिस्कस नहीं किया इसलिए इसको भी मैं यहाँ पे छोड़ूंगा, हम जब माइक्रो कंट्रोलर में इंटरप्ट्स डिस्कस करेंगे तो ज्यादा आइडिया हो जाएगा आपको। डीएफ डायरेक्शन फ्लैग यूज्ड इन स्ट्रिंग प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस। When DF is 1, the string will be accessed from higher memory address to lower memory address. And when DF is 0, it will do the reverse. तो ये भी string processing instructions में use होता है, और string की index जैसे आपने characters की array में देखा तो ये index कैसे access करता है ये उस पर depend करता है, मगर हम ये भी DF को नहीं use करेंगे क्योंकि हम स्ट्रिंग प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शंस नहीं यूज करेंगे, हम खुद स्ट्रिंग को प्रोसेस करेंगे। तो इस वजह से इसको भी हम ऐसा यूज नहीं करेंगे, तो हम सिर्फ यूज कर रहे हैं स्टेटस फ्लैग्स को। तो अब जरा एक एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में हमने क्या किया कि मूव ए एच कॉमा माइनस वन, मूव बी एच कॉमा माइनस वन, एड ए एच कॉमा बी एच। तो इससे क्या हुआ, अच्छा यही वाली इंस्ट्रक्शन हमने यूज की और अब हमें पता है कि माइनस वन इज व्हेन कन्वर्टेड इनटू 8 बिट नंबर तो माइनस देन माइनस वन इज इक्वल टू 1111111 बाइनरी, ये हम ऊपर करके आ चुके हैं। और अगर इसी 111 बाइनरी को हम रिप्रेजेंट करें, इसको लें एज अनसाइंड नंबर, तो ये इसकी वैल्यू बनेगी 255 डेसिमल, ये भी हम ऊपर कर चुके हैं जब हमने 8 बिट नंबर्स की अनसाइंड नंबर्स की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड की थी। तो इसी नंबर को जब हम हेक्स में रिप्रेजेंट करें तो वो बनेगा FFH। तो आप अगर एक इंस्ट्रक्शन दें मूव एच कॉमा माइनस वन, माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा इस माइनस वन को जब बाइनरी में कन्वर्ट करेगा बाय टेकिंग टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वन, तो फिर भी ये नंबर यही बनेगा 11111 बाइनरी। ठीक है, ये जो बाइनरी नंबर मैंने 8 बिट 1 लिखा है ये AH में स्टोर हो जाएगा, और इसी तरह BH में भी 8 बिट बाइनरी 1 स्टोर हो जाएगा। जब आप मूव एच कॉमा 255 करेंगे फिर हमें पता है कि 255 इज कन्वर्टेड इनटू 11111111 बाइनरी।
ठीक है, ये 255 डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करके देख लो, ये भी यही नंबर बनेगा, और VH में भी इसी तरह 111। इसी तरह जब आप ये इंस्ट्रक्शन देंगे मूव एच कॉमा एफ एफ एच, तो फिर BH में 11111 बाइनरी और BH में भी FFH 11111 बाइनरी सेम नंबर बनेगा। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हमने यूज़ किए हैं इंस्ट्रक्शंस के, मगर माइक्रो प्रोसेसर क्या करता है, वो फाइनली स्टोर असल में रजिस्टर में बाइनरी में ही कर रहा होता है। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस जिस तरह भी लिखी, ये फाइनली द वैल्यू इन AH विल बी 111111 बाइनरी एंड इन BL इन BH विल ऑल्सो बी स्टोर्ड एज 111111 बाइनरी। तो यही वाली वैल्यू स्टोर होगी जब भी ये इंस्ट्रक्शन चलेंगी। आप बेशक ऊपर -1 लिखें, 255 लिखें, FF लिखें। अब जब हमने ऐड किया तो क्या होगा, जब ऐड किया तो ये AH में वैल्यू स्टोर थी 111, BH में 111, जब हमने इनको ऐड किया तो 110111 और ये 1 3 1 ऐड किए तो 1 1 और फिर 111, फिर 1 और 1 फिर कैरी 1111 और फिर 1 कैरी, तो ये 111 1 और 1 कैरी, इसी तरह 111 और 1 और 1 कैरी कैरी। तो ये आपके पास जो फाइनल आया वो एक कैरी मोस्ट सिग्निफिकेंट पे जनरेट हुआ, और बाकी रिमेनिंग जो वैल्यू थी वो रजिस्टर में स्टोर होगी AH में। तो हमारे पास जब हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट किया 111111110, ये जो 8-बिट वैल्यू थी इसको कन्वर्ट किया जब डेसिमल में, तो हमारे पास अनसाइंड 8-बिट के लिए वो नंबर बनेगा 254। और अगर हम इसको साइंड कंसीडर करें और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखें तो वो 1 है, इसका मतलब है नंबर नेगेटिव है। हमने इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमें पता लगा वो वैल्यू आई 2 के इक्वल, तो -2 इसकी वैल्यू बनेगी फॉर साइंड 8-बिट नंबर। और जब हम इसको हेक्स में कन्वर्ट करें तो वो हमारे पास आएगा FE हेक्स, FE हेक्स। अब इस केस में देखें कि ये जो नंबर है अगर हम इसको अनसाइंड कंसीडर करते तो इसकी वैल्यू तो आनी चाहिए थी 255 प्लस 255, 510 आनी चाहिए थी, मगर असल में वो क्या आ गई 254। इसका मतलब है अनसाइंड के केस में तो ये आउट ऑफ रेंज थी और ये पूरी वैल्यू नहीं आई, और जितने भी बिट्स आए पूरे रजिस्टर में वो 254 के इक्वल बने, जिसका मतलब है रिजल्ट तो इस केस में हमारा फॉर अनसाइंड नंबर तो गलत आया। जब हमने इसको साइंड कंसिडर किया तो ये -1 और -1 इसकी वैल्यू आनी चाहिए -2, और यही वाली वैल्यू आई, तो साइंड के केस में ठीक वैल्यू आ रही है। तो होता क्या है कि अनसाइंड और साइंड नंबर्स के लिए बाइनरी तो हम सेम जो है सेम बाइनरी को हम साइंड भी बनाएं तो उसकी वैल्यू एक डिफरेंट आती है, अनसाइंड रखें तो उसकी वैल्यू डिफरेंट। तो ओवरफ्लो फ्लैग यूज किस लिए हो रहा होता है कि अगर माइक्रो प्रोसेसर को तो नहीं पता है कि इसको वो अनसाइंड कंसीडर करे या साइंड, वो क्या करता है कि जो भी नंबर प्रोग्रामर ने दिया हुआ होता है उसको साइंड के लिए भी कंसीडर कर लेता है, उसको अनसाइंड के लिए भी कर लेता है। और अनसाइंड के केस में वो क्या करता है कि वो कैरी फ्लैग को देख हाई कर देता है अगर अनसाइंड नंबर आउट ऑफ रेंज चला जाए, और अगर साइंड कंसीडर करे और उसकी वैल्यू आउट ऑफ रेंज चली जाए तो वो ओवरफ्लो फ्लैग हाई कर लेता है। अब आगे प्रोग्रामर की मर्जी है कि अगर मैंने ये साइन नंबर्स के लिए कर रहा था तो मैं फिर कैरी फ्लैग को नहीं देखूंगा, उसको नहीं मॉनिटर करूंगा, मैं सिर्फ ओवरफ्लो फ्लैग को मॉनिटर करूंगा कि अगर कोई प्रॉब्लम आई, रिजल्ट आउट ऑफ रेंज चला गया तो फिर मैं ओवरफ्लो फ्लैग को मॉनिटर करूंगा, और उसको वो अगर 1 है तो फिर मैं कोई एरर डिस्प्ले करा दूंगा कि रिजल्ट इज आउट ऑफ रेंज, या दोबारा से उसको कैलकुलेट करूंगा। और अगर मेरे पास मैं अनसाइंड कंसीडर कर रहा हूँ तो फिर मैं कैरी फ्लैग को मॉनिटर कर लूंगा। तो माइक्रो प्रोसेसर ने दोनों फ्लैग्स रखे हुए हैं, आगे प्रोग्रामर की मर्जी है कि उसने कौन सा यूज करना है फ्लैग। तो ये अब हम इसको देखते हैं कि बाकी रिमेनिंग बिट्स का इस कैलकुलेशन के साथ क्या लिंक है। तो ये अनसाइंड और साइंड और साइन कैरी ओवरफ्लो मैंने बहुत दफा क्लास में डिस्कस किया, तो
अब जरा हम इसको देखें, इस वैल्यू जो भी आई है, और रिमेनिंग फ्लैग्स को देखें तो ये सारे के सारे 1 0। तो 0 फ्लैग को अगर हम देखें तो रिजल्ट हमें पता है इज नॉट 0, तो इसका मतलब है 0 फ्लैग तो 0। अगर रिजल्ट 0 होता, सारे बिट 0 होते तो 0 फ्लैग 1 होता। उसके बाद अगर इसी वैल्यू को हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, ये नंबर ऑफ वंस इसमें ऑड है, 7 इज एन ऑड नंबर, तो इसका मतलब है पैरिटी फ्लैग भी इसमें 0 है, क्योंकि अगर नंबर ऑफ वंस इवन होते तो पैरिटी फ्लैग 1 होता। इसके बाद नेक्स्ट हम कंसिडर करें कि कैरी फ्लैग सी एफ, तो इसमें मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पे कैरी जनरेट हुआ है और वो कैरी बाहर गया है, तो कैरी फ्लैग इज 1। और अगर हम इसके लिए ओवरफ्लो फ्लैग को देखें तो हमें पता चला कि ओवरफ्लो फ्लैग के केस में हम देखेंगे कि D6 से D7 पे कोई कैरी जा रहा है और D7 से कोई अगर बाहर कैरी जा रहा है, तो या D7 से बाहर कैरी जाए या D6 से D7 पे कैरी जाए, तो फिर ओवरफ्लो फ्लैग हाई होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है कि D6 से D7 पे भी कैरी जा रहा है ये जो जनरेट हुआ है यहाँ पे, ये बल्कि सॉरी ये जो जनरेट हुआ है D7 पे, और ये जब हमने ऐड किया तो D7 से बाहर भी कैरी चला गया, तो D6 से D7 पे भी गया और D7 से बाहर भी गया, तो इसका मतलब है ओवरफ्लो फ्लैग इस केस में 0 है। इसके बाद ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, ये D3 से D4 पे कैरी जा रहा है, ठीक है, ये वाला जो है, तो हमने कहा कि इस केस में ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज हाई। इसके बाद रह गया साइन, तो साइन फ्लैग में हम कहते हैं इज द कॉपी ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, तो जो रजिस्टर में रिजल्ट स्टोर हुआ उसका MSB था वो 1 था, तो साइन फ्लैग जो है वो होगा 1। और इसके बाद जो है वो सो जी एफ 0, पी एफ इज 0, सी एफ इज 1, ओ एफ इज 0, ए एफ इज 1 एंड एस एफ इज 1। So this is the complete example for today. ये एक पूरी पूरी example हो गई हमारी, और अब हम जो है वो next topic में देखते हैं कि वो क्या discuss करते हैं।